तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंडी ने बताया जा रहा है कि टीबी को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी के सभागार में रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक की अध्यक्षता सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज ने की है। बैठक में टीबी को लेकर चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर मंथन किया गया। तो सीएमओ मंडी ने बताया है कि बैठक में सभी ब्लॉकों से रिपोर्ट तलब की गई है। टीबी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी जिला में चलाया गया। और इसमें हम टीबी की एक मीटिंग हमारी होती है, रिव्यू मीटिंग होती है जो हर महीने होती है। ये हर महीने हमारे ब्यूरो की जाती है और प्रोग्राम जो हमारा नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम है हमारा, उसके अंदर हमारी एक मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। इसमें हमारे WHO के कंसल्टेंट भी आए होते हैं, जिसमें डॉक्टर रविंदर जी आए हुए हैं, हमारे एक स्टेट कंसल्टेंट आए हुए हैं, बाकी हमारे अपने DTO हैं, हमारे हेल्थ ऑफिसर भी हैं, और बाकी BMO साहिबान आए हैं, हमारे दूसरे लोग टीबी से रिलेटेड प्रोग्राम देख रहे हैं, वो सारे इसमें आते हैं। और इसमें हम तरह तरह के जो हमारे टीबी के प्रोग्राम चले हैं, जैसे हमारा भी एक ACF मतलब एक्टिव केस फाइंडिंग का चला हुआ है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी की है उसमें से कितने हमने कितनी केस हमारे डिटेक्ट किए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो और कुछ एक ब्लॉक है जिन्होंने चीज़ हमने कंप्लीट कर ली ACF, और कईयों का है जिन्होंने अभी ACF कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो उनको भी ये किया कि जल्द 23 तारीख तक इसको कंप्लीट किया जाए। बाकी और भी जो हमारा डाटा होता है उसको एनालाइज किया जाता है इसमें, और जो कमियां होती है उसको पूरा करने के लिए दिशा निर्देश अपने फील्ड स्टाफ को दिए जाते हैं। बाकी जो नई स्कीम ऊपर जो स्टेट लेवल पे होती है उनको डिस्कस करने के लिए हमारे स्टेट से जो हमारे कंसल्टेंट आते हैं वो यहाँ लोगों को बताते हैं, और जो हमारी जो रिपोर्टें बनती है उसको उसमें भरने के लिए किस तरह उसको भरा जाए, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं उसको यहाँ से हमें रेक्टिफाई करके, ताकि अगले महीने की रिपोर्ट में उसको हमें पूरा तरह से ठीक से रिपोर्ट हमारे को मिले। इसी के संदर्भ में ये हर